Hello everyone, this is our English class. In this class, we will study the chapter 13, Adi's Computer. Okay, इस chapter में हमें एक ये story type की है, जिसमें Adi का computer जो है, उसके बारे में बताया है. One evening, Adi went into his room. It was very dark in the room. He did not switch on the light. एक दिन, evening में, Adi अपने room में गया. उसमें वो वहाँ पे बिल्कुल डार्क था, मतलब अंधेरा था, और उसने लाइट भी स्विच ऑन नहीं की. आदि सैट डाउन एट हिज डेस्क, ही टर्न ऑन हिज कंप्यूटर, द कंप्यूटर मेड अ नॉइस. आदि अपनी डेस्क पर बैठ गया और फिर उसने अपने कंप्यूटर को ऑन किया, तो कंप्यूटर ने एक नॉइज़ आई, कंप्यूटर से एक आवाज़ आई, बिज ट्रिप प्लिप प्लिप प्लिप, तो ऐसी कुछ आवाज़ उस कंप्यूटर में से आई. देन देयर वॉज अ क्लिकिंग साउंड, सडनली द स्क्रीन लिट अप. और फिर वहाँ पे एक क्लिकिंग टाइप का साउंड हुआ, जैसे अपन कुछ कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं ना तो आवाज़ सी आती है, तो ऐसा एक साउंड हुआ और एकदम से जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो चालू हो गई. आदि लुक्ड अराउंड द रूम, हिज रूम वॉज फिल्ड विद लाइट. आदि ने अपने रूम में देखा तो उसके रूम में फिर वो लाइट उसे दिख रही थी. आदि टैप्ड ऑन द कीबोर्ड, ही लुक्ड अप एट द स्क्रीन. फिर उसने कीबोर्ड को प्रेस किया और फिर उसने स्क्रीन की तरफ देखा. द कलर ऑफ स्क्रीन बिकेम ब्लू, तो स्क्रीन का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया. देन अ फेस अपीयर्ड, फिर इसके बाद एक उस पर फेस अपीयर होता है. इट वॉज द फेस ऑफ अ बॉय, द बॉय जस्ट लुक्ड जस्ट लाइक आदि. आदि वॉज सरप्राइज, तो उस पर एक फेस अपीयर हुआ, वो फेस किसका था, एक बॉय का था, वो लड़के का था, जो कि जस्ट आदि के जैसा दिख रहा था, तो आदि क्या हो गया, सरप्राइज हो गया. आदि लुक्ड एट हिज वेब कैम, द ग्रीन लाइट ऑन द वेब कैम वॉज ऑन. फिर आदि ने अपने उस वेब कैम की साइड देखा तो उस वेब कैम की लाइट जो थी वो ऑन थी. आई कैन सी हिज फेस, थॉट आदि. आदि ने सोचा कि मैं उसका फेस देख पा रहा हूँ. कैन ही सी माई फेस, क्या वो मेरा फेस देख पा रहा है. आदि बिगेन टू राइट अ शॉर्ट मैसेज, आदि ने फिर एक छोटा सा मैसेज लिखने का ट्राई किया. हेलो रॉट आदि, आदि ने लिखा हेलो और फिर लिखता है हु आर यू, तुम कौन हो. द वर्ड्स अपीयर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, द फेस ऑन द स्क्रीन डिड नॉट मूव. तो फिर वो वर्ड्स जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने लगे और आदि का फेस जो है वो जो दिख रहा था उस पे स्क्रीन पे जो फेस दिख रहा था वो वहाँ से मूव नहीं हुआ. द कंप्यूटर मेड अ नॉइज, बज ब्री ब्लेकर, तो उसका कंप्यूटर फिर से आवाज़ें करने लगा, बिज और जो आवाज़ होती है ना वैसे. अ मैसेज बिगिन टू अपीयर अंडर आदिज मैसेज, और फिर से वो आदि का मैसेज अपीयर होने लगा. हेलो सेड द मैसेज, हु आर यू. आदि वॉज सरप्राइज, ही वॉज ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. फिर वो फिर से आदि जो है वो सरप्राइज हो गया और वो थोड़ा डर भी गया था. तो फिर आदि ने लिखा आई एम आदि, आदि टाइप, फिर उसने लिख के ये लिख के टाइप कर दिया कि आई एम आदि, मैं आदि हूँ. द वर्ड्स अपीयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, फिर से वो वर्ड्स कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर होने लगे, बिज ब्री ब्लेक कर, फिर से ये साउंड उसमें से आने लगा. अ मैसेज अपीयर अंडर आदिज मैसेज, आई एम आदि सेड द मैसेज. फिर से जब जैसे आदि ने लिखा कि आई एम आदि, तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर हुआ और वो फिर से मैसेज आया आई एम आदि. नाउ आदि वॉज वेरी फ्राइटेंड, अब आदि जो है वो बहुत डर गया था. आदि जम्प्ड आउट ऑफ हिज चेयर, वो अपनी चेयर पे से उठ गया. ही रेन टू द लाइट टू स्विच ऑन नियर द डोर, और फिर वो गेट के पास से लाइट चालू करने लगा. ही स्विच्ड ऑन द लाइट इन हिज रूम, ही वेंट बैक टू हिज डेस्क, ही लुक्ड एट हिज कंप्यूटर, देयर वॉज नो फेस ऑन द स्क्रीन. तो उसने क्या किया, फिर अपने रूम की लाइट ऑन की और फिर वो अपनी डेस्क पे वापस आ गया. और फिर जब उसने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखा तो वहाँ कोई भी फेस नहीं था, देयर वॉज नो फेस ऑन द स्क्रीन. हाउ सिली सेड आदि, इट वॉज जस्ट माई रिफ्लेक्शन, वो कहता है मैं कितना सिली हूँ, मतलब मैं को अपना जस्ट मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था और मैं उसी से ही डर रहा था, मतलब उसको उसकी परछाई दिख रही थी. द कंप्यूटर मेड अ नॉइज, बज ब्री ब्लेक कर, और कंप्यूटर जो है उसकी कंप्यूटर में से आवाज़ आ रही थी, बज साउंड जो भी होता है ना टू, ऐसी आवाज़ उसमें से आ रही थी. ठीक है, तो आप सभी बच्चों इस स्टोरी को पढ़ना
और इसको समझना और इसके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपनी बुक में फिल करना है. जो भी और एक्सरसाइज हैं वो सब आपको बुक में फिल करना है. थैंक यू सो मच एवरीवन.